यूं तो मौसम थोड़ा शांत है, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जो चुनावी पारा है वो सातवें आसमान पर हरियाणा में पहुंच गया है। और यही वजह है कि लगातार चर्चा हो रही है हर जगह, चाहे वो पार्क हो, चाय की दुकान हो या फिर कोई दफ्तर, हर जगह चुनाव को लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं और लोग अपने अपने ही राय भी रख रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस समय हम हुड्डा सिटी पार्क में हैं, रोहतक का इलाका है, और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में इस बार क्या चल रहा है। बाबू जी, ये बताइए, आप पार्क में बैठे हैं, बहुत फुर्सत से बैठे हैं, क्या चल रहा है मन में राजनीति को लेकर के, क्या आप समझ में आ रहा है? राजनीति में तो हम स्पष्ट है कि हम बीजेपी के हैं और हमने मोदी के चेहरा देख के अब वोटिंग करनी है। बाकी यहाँ का कैंडिडेट तो जैसे हुआ इतना नाम मालूम, पर मोदी के नाम से हमने वोटिंग करनी है। क्यों ऐसा क्या है, जरा बैठ जाते हैं आपके पास, ये बताइए, मोदी मोदी क्यों? बहुत मेहनती, ईमानदार और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है। पहले हम तो बिल्कुल जो है ना बैकवर्ड देश के थे, पर अब बहुत। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं बैंक से रिटायर आ तो आपको लगता है कि इस मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और पूरे दुनिया भर में नाम हुआ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काम, गरीब ज़्यादातर गरीबों को मकान वगैरह, राशन फ्री वगैरह, कोरोना में बहुत काम किया, सड़कें बन गई, रेलवे एक्सप्रेस गाड़ियाँ वगैरह सब चल रही हैं, तो बहुत बढ़िया। ये बताइए, इलेक्शन तो जो है हरियाणा का है, अब बात मोदी की कर रहे हैं, असर है उनका कुछ? हाँ हाँ, हरियाणा में बहुत है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये जो कह रहे हैं बाबू जी, ये बताइए, मनने लग रहा है कि मोदी की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, सही है कि गलत है? सही है, मोदी के नाम वोट डाल रहे हैं। अच्छा, क्या किया है मोदी ने? क्या किया देख लो, तुमने दिखना रहा हो तो जो कुछ किया, दर्शकों को दिखाओ, बताओ आप क्या क्या किया उन्होंने। एक तो महंगाई है ना, जो इंडिया में सारे वर्ल्ड में सबसे ठीक यहाँ चल रहा काम, किसी चीज चीनी 40 रुपये थी, दाल वही थी, सब कुछ वही कंट्रोल है, कोई चीज नहीं बढ़ी है यहाँ पर। ये भी तो कह रहे हैं लोग ना, रोजगार नहीं मिला, आप क्या मानते हैं? आप तो बैंक से हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, क्या समझ में आता है? रोजगार तो मिलेगा, मिल ही रहा, कुछ कंप्यूटर वगैरह आ गए, उससे भी जरा ये हुए, बाकी तो बिल्कुल सही काम चल रहा है। अच्छा, हरियाणा की बात करते हैं, मोदी का कितना असर है? असर क्या, उसका 100% है। क्या असर है बताइए उसका? असर हरियाणा में अभी रैली करने लग रहा है, आप देखियो, अब बदल देगा यहाँ की तस्वीर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मोदी की रैली निकलेगी तो उसके बाद तस्वीर बदल जाएगी? बदल जाएगी, बदल कह रहे हैं। हुड्डा भारी पड़ रहा है? कुछ ना, हुड्डा हुड्डा पे होते सब फुस हो जाएगा यू। हाँ देख लियो, कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, ये हुड्डा पुड्डा रहता है। कांग्रेस है देश को लूटने वाली पार्टी है, कुछ नहीं करते ये। कांग्रेस ने देश को कहते हैं कि तो बीजेपी वाले कहते हैं, आप तो बीजेपी के मेंबर है क्या? ना, मेंबर किसी के नहीं हम। अच्छा, वोटर हम तो, वोटर है। अच्छा, तो ये बताइए कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने देश की जो तरक्की थी, जो सब कुछ था, जो हमने किया था, कांग्रेस वालों ने किया था, ये अपने नाम से भुनाने लगते हैं? बकवास कर, कुछ कराया नहीं, न बनाऊंगे के वो कश्मीर की समस्या तो नहीं, कभी हल नहीं हुई, जो इन्हें एक मिनट में कर दी, एक आदमी मरिया नहीं उड़े, अयोध्या की समस्या हल कर दी, कराया क्या क्या समस्या हल कर दी कर, और कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया कांग्रेस। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपको भी ऐसे लगता है क्या? बहुत अच्छा जी, मोदी जी जी ग्रेट। अच्छा, महान है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कभी नहीं आया और ना आएगा, ये नोट खोलो आप, ना कभी आया ना आवेगा आगे। ऐसा क्या है मोदी जी में? ये तो मोदी है जी, मोदी तो मोदी है, इसके बस इस, ये तो हमारे दिल में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है। और ये हुड्डा जो जीत रहे हैं बता रहे जी ना, ये हमारे बेसिक यागा बेसिक हो, पर कोई नहीं, सारे कांग्रेसी हैं, जो हिंदुआ करेगा जो मोदी करेगा जो कुछ करेगा। तो मतलब आप पढ़े लिखे आदमी है, इस आधार पे वोट थोड़े देते हैं इस पे? हाँ चलेगा जी, डेवलपमेंट की बात करो ना, डेवलपमेंट हाईवे बिल्कुल एकदम बढ़िया बड़ा, रेलवे एकदम चकाचक कर दिया, और जी एयरपोर्ट कर दिए सारे, कितने कितने एयरपोर्ट खोल दिए हैं, और ये जो नहीं नहीं फौजियाँ लगा लो 4 साल के लिए, कुछ ना कुछ तो कर काउंगे, हर उनको भी 20-25 हज़ार रुपये भी, लाख रुपये मिलेंगे लास्ट में। वो कह रहे हैं अग्निवीर ला करके बर्बाद कर दिया, पहले अपनी इसी थी ये तो करा रहे थे, इन्होंने तक चालू कराया था, इन्होंने तो चालू कराया था, उनके पेड़ पे तो ही चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वन रैंक वन पेंशन दे दी इनको, वन रैंक वन पेंशन 8 हज़ार का फायदा। आप फौजी, चलिए बात करते हैं, बड़ा मजा आएगा, बहुत दिलचस्प होगा अगर एक फौजी से बात करते हैं तो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, फौजी भी तो सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअल बताऊं,
कांग्रेस आ गई, राहुल गांधी आ गया, राहुल गांधी की माँ भी थी, सभी कार दे हम एक रह गए, एक परसेंट करेंगे, हम इंजॉय कर रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे। जो रिवॉर्डिंग रैली हुई थी, हमारे सब सैनिक इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, नारा दे दिया था, हमारे जनरल भी थे वहाँ, बिना एक रेक एक पेंशन ओ आर पी लागू करूंगा, और वो कराया इसने, 1.5 लाख मेरे खाते में आए थे। तो मैं कैसे निकलूं मोदी मां, जब तक हम तो फर्क पड़ता है, फर्क इलेक्शन में फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ गया जी तक में, रोज तक में फर्क पड़ गया। जब हम बने तो हमारे भाई भी फौजी भी है, और भी है, और भी है, कितना फर्क पड़ गया। देखिए तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन चूंकि बारिश की बूंदें आसमान से आ गई हैं, और इनकी उम्मीदें भी ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी श्रेष्ठ हैं, बेहतर हैं। देखिए नारेबाजी भी है, रोहतक का चुनाव किस तरफ जा रहा है, इनसे बेहतर कौन बताएगा। तो जाहिर सी बात है, बात करते सबसे पहले ये बताइए आप, कौन है इस बार, कौन जीत के सवार किसकी? भाई जी, किस्मत का के मेरा फट है, होना जीत गया, ये दो पार्टियां का हिसाब किताब है, बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वो कहाँ जाएगी? वो कौन है, कोई सौदा नहीं है यहाँ, वो सौदा नहीं है यहाँ, वो सौदा नहीं है यहाँ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मतलब हम दस्तक देंगे तो ना, ना सबकी जमान पे तो हो जाएगी। कल तो पैदा होया हो इतनी आन में, क्या कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं जरा बताइए, क्या कह रहे हैं? कल तो पैदा होया आम आदमी वाला, इतना हो रहा दिल्ली में, उसकी सरकार है, होगी दिल्ली में, दिल्ली वाले जाना है, हाँ तो होगी वो जाना, हम तो ना जानते ना, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं हम हरियाणा के बेटे हैं, कल पानी भी ना देता हरियाणा दिया, इतना हरियाणा बेटा हो गया वो, कल ने पंजाब का पानी देने नाट रहा था, हरियाणा बेटा कहाँ से आ गया वो, अगर यहाँ का बेटा होता तो अपने भाइयों के लिए मरता। क्या कह रहे हैं आप? ये बात याद है हरियाणा वालों को, ये बात याद है, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था बताइए जरा। हरियाणा के लिए पानी नहीं है मेरे पास, है एक बूंद नहीं दूंगा, दिल पे लग गई बात, लगी पड़ी है, तेज भूखे मर ला रहे पानी के, हमें और इस बात को लग गई है बात, और कौन दिल में है, दिल पे तो उसकी बात लगी, आपके दिल में कौन है ये तो बताओ। कांग्रेस है भाई, कांग्रेस है बिल्कुल पक्की। क्यों क्यों गए थी अगले काम मरो तो कर रहा क्या हरियाणा में, कर रहा क्या कांग्रेस ने, क्या काम कर दिया बता दीजिए, गिनाइए काम, सारे पांच काम देखो ऐसा है, पांच काम नहीं, देश भर की यूनिवर्सिटी बना दी, और यो केबल आ रही है गाने बजाने वाले आ रहे हो, यूनिवर्सिटी बना दी, पीजीआई बना दी खानपुर में, और इस तो फालतू के लेकर सड़क का जाल बिछा दिया था सारे गए। अच्छा ठीक है, ठीक है आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं, आगे ये बताइए, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया क्या? हरियाणा नंबर एक था, आज 15वें नंबर बता रहे हैं। अच्छा हाँ, हरियाणा क्यों आपने पीछे जाने दिया? आने तो बेरोजगारी इतनी फैला दी बीजेपी ने तो नाश कर दिया। अच्छा, और बीजेपी ने तो नाश कर दिया, कति भट्ठा बैठा दिया हरियाणा।